नमस्ते दोस्तों, मैं सोनिया गोयल YouTube पर जयपुर डबिंग सिटी चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। वातावरण की सूखी या बहुत ठंडी हवा के कारण त्वचा की ऊपरी सतह का पानी सूख जाता है, जिससे त्वचा रूखी हो जाती है। त्वचा ज्यादा रूखी होने पर जगह जगह से फट भी जाती है और इसमें खुजली और दर्द के साथ खून भी आने लगता है। इसलिए त्वचा को रूखा होने से बचाए रखना चाहिए। तो आइए आज जानते हैं रूखी त्वचा के लिए कुछ सरल घरेलू उपचार। आप ये ब्यूटी टिप्स मेरी वेबसाइट jaipurdapingcity.com से प्रिंट भी कर सकते हैं। एक कटोरी में दूध लीजिए, इसमें एक चम्मच चीनी और आवश्यकता अनुसार बादाम का पाउडर डालकर पेस्ट बना लीजिए। बीस मिनट इस पेस्ट को लगाइए और फिर गुनगुने पानी से धो लीजिए। कुछ दिनों तक ऐसा करने से त्वचा का रूखापन बिल्कुल ठीक हो जाता है और त्वचा चिकनी और मुलायम हो जाती है। दही रूखी त्वचा के लिए बहुत ही अच्छी औषधि है। आधा कप दही लीजिए, इसमें एक चम्मच दूध की मलाई, एक चम्मच मैश किया हुआ केला और एक चम्मच शहद मिलाकर पेस्ट बना लीजिए। पंद्रह मिनट इसे लगा रहने दीजिए और फिर पानी से धो लीजिए। ऐसा रोज करें, इससे आपकी रूखी त्वचा फिर से चमक उठेगी। एक खीरे का रस निकाल लीजिए, इसमें आधा चम्मच ग्लिसरीन और आधा चम्मच गुलाब जल डालकर मिला लीजिए। इसे अपने चेहरे व हाथ पैरों पर मालिश करते हुए लगा लीजिए। 15-20 मिनट इसे लगा रहने दीजिए और फिर गुनगुने पानी से नहा लीजिए। ऐसा एक दिन छोड़कर एक दिन करना चाहिए, इससे त्वचा का रूखापन ठीक हो जाता है। हर सोमवार ऐसे ही आसान ब्यूटी टिप्स और घरेलू प्राकृतिक उपचार देखते रहने के लिए मुझे YouTube पर जयपुर डबिंग सिटी चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए।